हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जैसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी जोर शोर से होगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए या फिर आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए हाई स्कूल जो है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के जो चल रहे हैं उनमें टाइमिंग बहुत कम बची है। तो प्रिपरेशन चालू रखिए, स्टार्ट करिए, ठीक है। और आगे आज हम बढ़ते हैं। आज की वीडियो है आपके लिए क्लास नाइन्थ के लिए सेकेंड चैप्टर टिश्यू, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट कर लिया है जो कि आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था, यानी कि उसमें सेल के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। और आई होपली कि वो पूरा चैप्टर आपको क्लियर भी हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो फिर से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, आपके पास इनफ टाइम है किसी चैप्टर को रिविज़न करने के लिए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ, क्लास नाइन्थ का टिशू। टिशू आपके क्यों होते हैं और टिशू का फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हमने सेल में पढ़ा तो सेल में हमने प्लांट सेल के बारे में भी पढ़ा था और एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ा था। तो अगर एनिमल सेल हो सकती है, प्लांट की भी सेल होती है, तो टिश्यू भी तो दोनों ही होते होंगे ना, हमारे प्लांट टिश्यू भी और एनिमल टिश्यू भी। टिश्यू एक्चुअली में होते क्या हैं पहले ये तो जानिए। ग्रुप ऑफ सेल्स, जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइन करते हैं तो हमारे टिश्यू बनते हैं, यानी कि सेल की एक टीम बनती है, सेल की टीम बनती है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और वो जो टीम है किसी एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि टिश्यू बनता ही क्यों है या ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन ही क्यों होते हैं, तो कंबाइन इसलिए होते हैं क्योंकि एक इनको स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। क्योंकि चाहे वो प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, उनके अंदर काफ़ी फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो अगर टिश्यू ग्रुप ना बनाए, सॉरी सेल्स अगर ग्रुप ना बनाए, तो उनके फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? क्या एक एक सेल्स अगर परफॉर्म कर पाएंगी इतने सारे फंक्शंस होते हैं? नहीं कर पाएंगी, उनके पर वर्कलोड हो जाएगा और वो डैमेज भी हो जाएंगी, और हमारा जो प्रॉपर फंक्शन चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए टिश्यू बने हुए हैं। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के बनते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर के आपके ऑर्गन सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी। तो फिलहाल तो अभी वहाँ नहीं जाते हैं, हम टिश्यू पर ही रुकते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है टिश्यू के बारे में। तो आई होप कि टिश्यू की डेफिनेशन समझ में आ गई। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइंस टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, दैट्स कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू दो टाइप के होते हैं बताया, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हमने यहाँ पे अभी प्लांट टिश्यू के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर ही आपके दोनों टिश्यू के बारे में है, प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में। लेकिन यहाँ पे अभी हम प्लांट टिश्यू को आउटर लाइन जो क्या क्या पढ़ना है टॉपिक, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। हमें प्लांट टिश्यू के बारे में कौन कौन से हेडिंग्स, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एनिमल टिश्यू को यहाँ नहीं लिखा क्योंकि बहुत ही हौचपौच हो जाता, आपको समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती कि बहुत ही, क्योंकि वर्ड इसके बहुत थोड़ी सी टफ है, क्योंकि आप अभी थोड़ा बहुत अनजान हैं तो एक में मिक्स हो जाता। इसलिए मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू का इंट्रोडक्शन वीडियो ये आपके लिए बनाया है। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो आते हैं हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होते हैं जो एक सीड से एक बड़ा सा पेड़ बना दे, यानी पौधे से पेड़ बना दे, वो जो वहाँ जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो परफॉर्म करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। ग्रोथ के लिए अगर बोला जाए कि बीज से नया पौधा और पेड़ बना है, वो कौन सा टिश्यू परफॉर्म हुआ है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो आपके तीन पार्ट में होते हैं, आपके एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। घबराइए मत, तीनों के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेनेशंस करके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बता रहे हैं कि आपको इनके बारे में पढ़ना है। अच्छा, एक काम ज़रूर करिएगा आप कि जितना भी लिखाया जा रहा है पूरा, मैंने जो क्लासीफाइड किया है टॉपिक वाइज, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। एक तो दूसरा है, पहला तो क्या है, वो होगा हेल्प कि जब मैं पढ़ाऊँगी तो आप एक एक ऐसे टॉपिक को ऐसे टिक कर लेंगे कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये चीज़ें नहीं हो चुकी हैं, और आपको भी सिंप्लीफाइड रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, है ना। सेकेंड थिंग, कि जब भी आपको रिविज़न करना होगा तो आप मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि वीडियो देखने में लगता है टाइम, उस समय जब आपके पास लिखा होगा तो आप उसको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में आप फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ, फ़ोन तो ऐसे आपके पास 24 घंटे होते होंगे।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जहाँ पे आपकी सेल की डिवाइड, जो डिवाइड करना होता है वहाँ पे वो फंक्शन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं होती है। आपने बड़े बड़े ट्री देखे होंगे, जैसे नीम का है, आम का है, तो आपके कुछ पोर्शन जो होते हैं वो एकदम सीधे होते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, वहाँ पे पेड़ों की छालें होती हैं। वहाँ पे जो टिश्यू होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू, यानी कि वहाँ पे सेल का कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे होता है आपका परमानेंट टिश्यू। आपने कई पेड़ ऐसे भी देखे होंगे जो एकदम सीधे लंबे होते हैं, टिप पे जा करके उनकी उनकी ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, उनमें फ्लावर्स होते हैं, उनमें फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारे नारियल का पेड़ है और या खजूर का पेड़ है। तो जो जिस पोर्शन में आपके कोई भी ब्रांचेस नहीं है वहाँ पे आपके कौन से टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है, परमानेंट टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपके थ्री टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। शब्द से घबराइएगा नहीं कि टफ है, टफ इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम सुना है आपने। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा याद रखेंगे क्योंकि ये सिंपल टिश्यू का है, और ये सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, या फ्लोएम एंड जाइलम। तो ये जो फ्लोएम एंड जाइलम है इनका फंक्शन क्या है, हमको पता है कि हमारे प्लांट जो है वो भोजन बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस। अब भोजन भी बनाते हैं यानी कि फूड सिंथेसिस भी करते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन ना करें तो हमारा पानी देना बेकार है, हम पानी रूट में देते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन क्या जो पानी देते हैं वो रूट में ही रह जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। हमने खाना खाया, हमारा अगर हम खाना खा के हमारे पेट में ही रह जाए तो क्या हम दोबारा खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी वो फंक्शन कर रही है, पेट हमारा खाना खाया, डाइजेशन होता है हमारा, हमारे मुंह का काम है चबाना, इसने अपना फंक्शन किया। हमारे ईसोफेगस का फंक्शन क्या है, खाने को ट्रांसफ़र करना, वो स्टमक तक लेकर गया। स्टमक का फंक्शन है डाइजेशन करना, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजना। कहने का मतलब कि जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसने फंक्शन किया, खाना एक जगह पर रखा तो है नहीं। इसी तरह हम ऑक्सीजन भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं, यानी कि मशीनें वर्क कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं, कहीं पर कोई चीज़ रुकी नहीं है। इसी तरह जब हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड की सिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो फूड एक जगह पे रखा नहीं होगा जहाँ पे बनाएगा, या ग्रीन प्लांट्स जहाँ ग्रीन पत्तियाँ हैं वहाँ पे रखा नहीं होगा। उनके लिए भी जो भोजन बनाए हैं तो पूरे ऑल ओवर द प्लांट बॉडी में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए उनको कोई ना कोई ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, उसी तरह हमारे प्लांट की बॉडी में अलग अलग उनको टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड का ट्रांसफ़र करना, और जाइलम का फंक्शन होता है वाटर का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, एक समझ लीजिए कि जो हमारे रेस्टोरेंट में होते हैं, क्या होते हैं रेस्टोरेंट में, वेटर होते हैं ना, खाने को लाते हैं, पानी को लाते हैं, उसी तरह ये हमारे प्लांट में वेटर का काम करते हैं, यानी कि भोजन को इधर से उधर प्लांट बॉडी में पहुंचाते हैं। तो प्लांट बॉडी के जो वेटर है कौन है, फ्लोएम एंड जाइलम, या जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम एक नाम से और जानते हैं जिनका नाम होता है वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल खाली वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल सिर्फ प्लांट बॉडी में ही पाई जाती है, एनिमल बॉडी में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो फ्लोएम में भी कई टाइप के हैं, यानी कि फ्लोएम जो हेल्प करता है बेटा बन करके, उसके भी कई आपके साथी हैं जो टाइप हैं, सीफ ट्यूब, कंपेनियन, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ऐसे ही जाइलम के भी कुछ साथी हैं, उनके टाइप्स हैं वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, इन नामों को थोड़ा याद करना कि ज़रूरी है, इसलिए कह रहे हैं कि कॉपी में जब लिखेंगे तो लिखने से ज़्यादा याद होता है। ऐसे से कभी आपने देखा होगा कुछ स्पेलिंग्स हमारी क्या होती है, हमको माइंड में नहीं होता है, हम लिख कर देखते हैं, तो लिखते लिखते क्या होता है, हमारे हाथों को हमारे पेन को ही याद हो जाती है ना। इसीलिए कह रही हूँ कि इसको लिख लीजिएगा, और मैं एक बार साइड हो जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि प्लांट टिश्यू में क्या क्या टॉपिक हैं पढ़ने के लिए क्लियर हो गया होगा।
तो अब पढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बता दिया, तो अब इसको क्या करना है कि हमको पहले देखो डेफिनेशन समझनी है पहले कि टिश्यू क्या होती है। टिश्यू हमने बता दिया, फिर भी एक बार समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या है, क्यों है, टिश्यू बने क्यों, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स की ये जो टीम बनी है बनी क्यों है, किस लिए बनी, क्या ज़रूरत थी बनने की, है ना। तब हम आगे के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि बताते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, इसीलिए वो टिश्यू बने हैं, यानी कि परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये टिश्यू बने हैं। और किसके है, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि कंबाइंड हो रही है। क्यों कंबाइंड हो रही है, हमको तो ये समझ में तो आ गया कि टिश्यू क्यों बन, टिश्यू कैसे बना है और क्यों बना है, ये भी बता दें कि स्पेशल जो आपके फंक्शन उनको परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ऐसा क्या फंक्शन है जो टिश्यू परफॉर्म कर सकता है, सेल परफॉर्म नहीं कर सकती है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। क्या रीज़न ऐसा है कि टिश्यू बनाने के लिए ज़रूरत पड़ गई या टिश्यू की बनने की ज़रूरत पड़ गई। अब हमको ये तो पता चल गया कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिली हैं, ये हमारी मान लीजिए क्या है, टिश्यू है जिसमें कि आपके सिमिलर टाइप की सेल्स हैं, है ना, ये क्या हो गई, एक टीम हो गई ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये टिश्यू है और इसमें कई प्रकार की सेल्स हैं जो कि एक ही जैसे स्ट्रक्चर की हैं, कंबाइन होगी, ग्रुप बन गया, यानी कि टिश्यू का बन गया टिश्यू स्ट्रक्चर। अब आते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यू की क्यों इम्पॉर्टेंस है, क्यों हमें नीड है हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में क्यों ज़रूरत है। कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमने टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ रखा है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में कोई ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि जब वन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो इसमें जितना ज़्यादा फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो भी फंक्शन है वो खाली एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म होती है। तो उसमें जब एक ही सेल है तो टिश्यू बनने का कोई चांस ही नहीं है, ओके। लेकिन हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि हम जैसे या फिर हमारे जो ऐसे प्लांट बॉडी हैं जिनमें काफ़ी फंक्शंस होते हैं, इस ये तो अभी आपका नेचुरली बता रहा है, कोई प्लांट या एनिमल से रिलेटेड नहीं बता रहा है, टिश्यू क्या होते हैं वो बता रहा है, आपका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक दैट, हम लोग जो है अगर हमारी बॉडी में सेल्स हैं कई, मल्टी सेल्स हैं, जब मल्टी सेल्स हैं तो मल्टी फंक्शंस भी होंगे परफॉर्म करने के लिए। अगर वो फंक्शन हमारी सेल परफॉर्म करती है तो कितना समय लग जाएगा किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर वही काम हम टीम में बांट दें, टीम वर्क कर दें, जैसे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, जब कहीं भी रहते हो तो एक टीम वर्क काम करते हो, कि ऐसा है कि कोई भी जैसे मान लीजिए फंक्शन है घर में, बर्थडे है, किसी को बलून फुलाने के लिए कह दिया, किसी को आपने डेकोरेशन करने के लिए कह दिया, किसी को केक अरेंज करने के लिए कह दिया, सबका अलग अलग आप डिपार्टमेंट दे देते हो। या हमारे स्कूल में ही है, जब आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे इंग्लिश टीचर अलग है, बायो का टीचर अलग है, मैथ का टीचर अलग है, स्कूल के यानी कि क्लासेस संभालने के लिए अलग हो जाते हैं ना, सारे सब्जेक्ट को संभालने के लिए सारे टीचर अलग हैं, तभी आपकी पढ़ाई क्या होती है, रेगुलर होती रहती है और हर एक चीज़ की अच्छे ढंग से होती है। अगर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए तो क्या आपका कोर्स या आपको जो सब्जेक्ट है वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक टीचर किसी चीज़ को भी परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि सारी चीज़ें आपको इतनी चीज़ें नहीं बता सकता है, राइट। लेकिन अब वही चीज़ें अगर अदर अदर टीचर मिल जाते हैं हर एक सब्जेक्ट को बताने के लिए तो हमारे लिए ईजी हो जाती है पढ़ाई, राइट। उसी तरह हमारी बॉडी में भी कई वर्क होते हैं जो आपकर आपके एक एक सेल्स मिलकर काम करेंगी तो उतना जल्दी नहीं होगा जितना टीम वर्क काम होगा, कि एक चार की टीम बन जाती है चार लोगों की, तो चार लोग उस काम को करेंगे तो काफ़ी जल्दी और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो जाएगा, क्योंकि जब जहाँ चार का दिमाग लगता है वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें नई बन करके आती है, अच्छी बन करके आती है। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है
कॉज डिवीज़न ऑफ लेवर, लेवर का मतलब जो मेहनत है डिवीज़न, उसका डिवीज़न हो जाता है, बट जाते हैं, मेहनत बढ़ जाती है, जब मेहनत बढ़ जाती है तो काम जल्दी हो जाता है। डिक्रीजेस वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स पे वर्कलोड होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाता है, वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स, तो इंडिविजुअल सेल पे आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर टीम वर्क काम करते हैं तो हमारी एक सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी वर्कलोड नहीं होगा। नेक्स्ट है लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई टीम वर्क काम करता है या फिर आपका टीम वर्क बन करके काम करता है ग्रुपिंग में, तो जो हमारा जो काम होता है, हमको जो रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, काफ़ी अच्छे ढंग से निखर के आता है, तो वो यही चीज़ें बता रहा है। आगे आपके जो ये बता रहा है कि सेल से मिलकर के टिश्यू बने होते हैं, ये चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ने हो, लेकिन 8th क्लास में आप काफ़ी पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती हैं तो क्या बनती हैं, टिश्यू। यही चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं टिश्यू के बारे में, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगी तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के बनेंगे आपके ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के क्या बनेंगे, ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनेंगे, ऑर्गन्स सिस्टम यानी कि ऑर्गेनिज्म। यहाँ भी लिखा हुआ है आपका कि ऑर्गेनिज्म, इस सिस्टम यानी कि ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा है हमारे, कि सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से सिस्टम, और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, जो हम लिविंग बींग्स हैं या आपके प्लांट हैं उनकी बात की जा रही है। तो ऑब्वियसली आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अब टिश्यू की इम्पोर्टेंस क्या है और टिश्यू क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं और उनके टाइप्स को, फिर आपके सीक्वेंस वाइज चलते रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको माइंड में भी हमारे सेटअप होने की ज़रूरत है, उसमें भी टाइम टेकन लगता है, तो जो भी पढ़ाया जाए बस उसको ध्यान से सुनिए और उसको समझिए। बहुत जल्दी भागने की कोशिश मत करें, मेरा लेट हो रहा है या फिर मैं नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसे पीछे भागेंगे तो जो आगे की चीज़ें पढ़ने हैं वो भी आपकी रह जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो।